निजा और आप देख रहे हैं दी कंटा। टोक्यो ओलंपिक में आज के पुरुष हॉकी टीम भारतीय बनाम बेल्जियम में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से बेल्जियम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना लेगी और इसके साथ ही भारत का लंबे वक्त से फाइनल में जाने का इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा। इस मैच को लेकर जितने भारतीय फैंस एक्साइटेड थे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी एक्साइटेड थे और वो बार बार भारतीय टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम हारी, देश के लोगों ने इसका पूरा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया और उन्हें पनौती तक कह दिया। अब ऐसा हम नहीं, ऐसा कहना है देश की जनता का। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ट्विटर पर हैशटैग पनौती खूब ट्रेंड कर रहा है और इसमें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं। दरअसल भारत और बेल्जियम के बीच खेले गए हॉकी मैच का मजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे थे और ट्वीट कर भारत का हौसला बढ़ा रहे थे। जिस वक्त भारत बेल्जियम से आगे चल रहा था, उस वक्त पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं भारत बनाम बेल्जियम हॉकी पुरुषों का सेमीफाइनल हैशटैग टोक्यो 2020 देख रहा हूँ। हमारी टीम और उनके कौशल पर गर्व है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पीएम मोदी का टीम के लिए ये सपोर्ट लोगों को पसंद नहीं आया, तभी तो देखिए ना, वहाँ टीम इंडिया हारी और यहाँ लोगों ने मोदी को पनौती कहना शुरू कर दिया। साफ सीधे तौर पर हम अगर आपको बताएं तो पुरुष हॉकी टीम की हार का जिम्मा लोगों ने पीएम मोदी को ठहरा दिया। इसके बाद ट्विटर पर हैशटैग पनौती खूब ट्रेंड कर रहा है। ट्वीट कर लोगों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि वे किसी भी मैच को ना देखें और ना ही किसी टीम को सपोर्ट करें। लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राहुल भोकारे नाम के यूजर ने लिखा, भारतीय लोग मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे महिला हॉकी मैच ना देखें। एक अन्य यूजर ने पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मोदी के ट्वीट से पहले इंडिया 2-1 पर था और इनके ट्वीट के बाद इंडिया 2-5 पर आ गया, बस अब विमेंस सेमीफाइनल मत देखना। सुधादीप नाम के एक यूजर लिखते हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप पर ट्वीट किया, हम हारे। इन्होंने चंद्रयान पर ट्वीट किया, वो क्रैश हो गया। इन्होंने हॉकी पर ट्वीट किया, वो हार गए। तो वहीं अजीम मक लिखते हैं, हम इस पनौती की वजह से हारे। एक अन्य यूजर ने तो पीएम मोदी को यहां तक कह दिया कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो ले लो, पर अब मैच मत देखो। लोगों ने इसको लेकर काफी मीम्स भी शेयर किए हैं। एक यूजर ने एक वीडियो के रूप में मीम शेयर करते हुए लिखा, विभिन्न खेलों में ओलंपिक में भारत की सफलता में लाइमलाइट लेने की कोशिश में मोदी #पनौती। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती है या नहीं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी खबरों के लिए दी कंटा के साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।